राधे राधे दोस्तों, एक बार नारद मुनि जी ने भगवान विष्णु जी से पूछा, भगवान आपका इस समय सबसे प्रिय भक्त कौन है? अब विष्णु तो भगवान है, सो झट से समझ गए अपने भगत नारद मुनि की बात और मुस्कुराकर बोले, मेरा सबसे प्रिय भगत उस गांव का एक मामूली किसान है। यह सुनकर नारद मुनि जी थोड़ा निराश हुए और फिर से एक प्रश्न किया, हे भगवान, आपका बड़ा भक्त तो मैं हूँ, फिर सबसे प्रिय क्यों नहीं? तब भगवान विष्णु जी ने नारद मुनि से कहा, इसका जवाब तुम खुद ही दोगे, जाओ एक दिन उसके घर रहो, फिर सारी बात मुझे बताना। नारद मुनि जी सुबह सवेरे मुँह अंधेरे उस किसान के घर पहुंच गए। देखा अभी अभी किसान जागा है और उसने अब सबसे पहले अपने जानवर को चारा वगैरह दिया, फिर मुंह हाथ धोए, दैनिक कार्यों से वो निवृत्त हुआ, जल्दी जल्दी भगवान का नाम लिया, रूखी सूखी रोटी खाकर जल्दी अपने खेतों पर चला गया। सारा दिन उस खेतों पर काम किया और शाम को घर वापस आया, जानवरों को अपनी अपनी जगह बांधा, उन्हें चारा पानी डाला, हाथ पांव धोए, कुल्ला किया, फिर थोड़ी देर बाद भगवान का नाम लिया, फिर परिवार के संग बैठकर खाना खाया और कुछ बातें की और फिर सो गया। अब सारा दिन यह सब देखकर नारद मुनि जी भगवान विष्णु के पास वापस आए और बोले, भगवान, मैं आज सारा दिन उस किसान के संग रहा, लेकिन वो तो ढंग से आपका नाम भी नहीं ले सकता। उसने थोड़ी देर सुबह, थोड़ी देर शाम को, और वो भी जल्दी जल्दी आपका ध्यान किया, और मैं तो 24 घंटे सिर्फ आपका ही नाम जपता हूँ, क्या अब भी आपका सबसे प्रिय भगत वो गरीब किसान ही है? भगवान विष्णु जी ने नारद की बात सुनकर कहा, अब इसका जवाब भी तुम मुझे खुद ही देना। अब भगवान विष्णु जी ने एक कलश अमृत से भरा नारद मुनि को थमाया। और बोले, इस कलश को लेकर तुम तीनों लोगों की परिक्रमा करके आओ, लेकिन ध्यान रहे, अगर एक बूंद भी अमृत नीचे गिरा तो तुम्हारी सारी भक्ति और पुण्य नष्ट हो जाएंगे। नारद मुनि तीनों लोगों की परिक्रमा करके जब भगवान विष्णु के पास वापस आए तो खुश हो गए, होकर बोले, भगवान, मैंने एक बूंद भी अमृत नीचे नहीं गिरने दिया। विष्णु भगवान ने पूछा, और इस दौरान तुमने मेरा नाम कितनी बार लिया, मेरा स्मरण कितनी बार किया? तो नारद बोले, अरे भगवान जी, मेरा तो सारा ध्यान इस अमृत इस पर था, फिर आपका ध्यान कैसे करता? भगवान विष्णु ने कहा, हे नारद, देखो उस किसान को, वो अपना कर्म करते हुए भी नियमित रूप से मेरा स्मरण करता है, क्योंकि जो अपना कर्म करते हुए भी मेरा जाप करे वही मेरा सबसे प्रिय भगत हुआ। जब करते हो और जब तुमने कर्म दिया गया तो मेरे लिए तुम्हारे पास समय ही नहीं था। तो नारद मुनि सब समझ गए और भगवान के चरण पकड़ कर बोले, हे भगवान, आपने मेरा अहंकार तोड़ दिया, आप धन्य हैं। श्री कृष्णा, अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।